जिमें से दूध निकलत रहते। जैसे हम नमक खाथन ना तो हम नमक ना वाला खा देथन और जो भी पान हो वाला फेंक देते। तो वो समय नमक के सन में कोरिया के पान और सहजा के पान लाग भी खात रही। जैसे हम एक प्रकार के खीर बनाते हैं उसमें इलायची लवंग काजू किशमिश डालते ना तो का बन जाते खीर बन जाते। तो जैसे कोरिया के पान और सहजा के पान में हम नवा धान के धान रखथन ना वहां से जो निकल दूध निकलते ना वो है एक रासायनिक अभिक्रिया बन करके एक तो दवाई बन जाते। जे अगर बोलोला ना संक्रमण बीमारी हुई टाइफाइड मलेरिया सर्दी खांसी जेकर आंखी फूल गए हैं जिला गाठियाबाद होते जिला बवासीर होते जिला बार बार सर्दी खांसी होत रहते जेकर घुटना हमारी मन में दर्द होत रहते जे टूरी मन के जे महिला मन के बाल चूड़ी मन झड़ते। अगर वो कोरिया के पान और सहजा के पान में अगर तुमन नवा खाओ ना तो जितना भी प्रॉब्लम है ना सब दूर हो जाए सब दूर हो जाए। ये महत्व है कोरिया और सहजा के पान ऐसे कोनो ना फालतू में नहीं खवाया जाए। उसमें हर तीज त्योहार के तीज त्योहार और पर्व के आदिवासी मन के जितना भी ओकर अलग ही महत्व है ओकर अलग ही साइंटिफिक रीजन है। बड़ा पानी माटी के मान में प्रणाम करता हूँ तो कुछ साथ साथ यहाँ ये अंचल के जितनी भी अधिष्ठात्री देवा देवी वो सब लमार प्रणाम ओकर साथ साथ आज के ये कार्यक्रम का आयोजन जो करीन है आदिग्रहण वो संगठन लमल साथ साथ सेवामान सेवा जोहर ओकर साथ आज हमार गौ मंच में उपस्थित सरपंच सिवैया कादू का सरपंच मंत्रिया आपके मैनपुर क्षेत्र में राजा पठार पड़ाव वहां भी गौर गढ़ी में पूरे क्षेत्र के वहां भी आज ठाकुर जोहानी कार्यक्रम था और हमारे नगरी ब्लॉक में भी आज ब्लॉक स्तरीय आज ठाकुर जोहानी कार्यक्रम। तो फिर भी हमने मतलब ये लगा कि नहीं वहां के युवा साथी हमें अगर न्योता भेजे ही हमला ठाकुर जोहानी बुलाए एक हमारे फर्ज बनते बिल्कुल वहां तक हम पहुंचबो। और निश्चित ही अगर 26 तारीख अगर आज वहां नगरी ब्लॉक में अगर नहीं रहती तो हमारी टीम भी पूरा रहती है ना और हमारे एक संदेश यहां तक भी होती और आप मन से भी हम लोग कुछ सूचना मिलती और वो सियार मन भी हमारे बीच अच्छा हमारे जो पूर्वज और संस्कृति बात में बताते और जब तक सियार मन बताओ तक मैं तो लड़का रहा हूँ ज्यादा नहीं बता पाऊ लेकिन जरूर मैं आज मोला संस्कृति बारे में अगर बोले के अवसर दे है तो जरूर मैं आया तो अच्छा लगी मोला कि मैं दूसरे और मंच भी जाता तो वहाँ ये पेन व्यवस्था नहीं देखने मिले और निश्चित ही एक गोंडी घर बोलत हुई गोंडी बोलते से गोंडी बोलते का लेकिन एक तो गोंडी उद्बोधन नहीं करे एक और लड़का मन जानते कि नहीं जाने लड़का मन जानते कि नहीं जाने। वैसे आज हमारे घर नगरी ब्लॉक की बात करते हो पंडित सियार मन बोलते ही नहीं आपके बोले की क्षेत्र से कसबूर गुडरा उडरा में जो सियार मन है तेमन बोलते ही नहीं लेकिन बोली आज हमारे घर खत्म हो गई। मैं अबुजवान नारायणपुर जाता हूँ वहां पूरा गोंडी बोलते हैं
लेकिन नारायणपुर आते तब हिंदी बोलने चालू करते और क्या करते हमारे लड़के में आज हम सुधरा था सीखा था ये हमारे लिए बहुत बड़ा भूल है, ये हमारे समाज की भूल है, इस देश के हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत बड़ी भूल है। जिस दिन जनगणना होगा उस दिन से एक सिरे सब लोग काटे जाएंगे। स्पष्ट होगा कि क्योंकि आदिवासी समाज का एक विशेष बोली भाषा है, आदिवासी समाज का एक विशेष रीति नीति है, आदिवासी समाज का एक विशेष परंपरा है। हमें की नहीं है कि मैं गलत तो नहीं बता लड़के हमें कहते भाई हमें की नहीं है एक हमारे आदिवासी समाज की परंपरा हमें भाई मैं बुझाओ तब तुम बोलने लगी तुम्हें मैं भाषण देता हुआ तना मैं भाषण देना नहीं आया हूँ और ज्यादा पहले भाषण नहीं दे अब अगर हाँ करूँ बैठा था तुम्हारा भी नवा खाए का आया मीठे मीठ तो वो लगी मेरे बात बोला ज्यादा चोट घर पहुंची अगर ज्यादा चोट पहुंची तो मेरा माफ मत करूँ घर में जाके एक पुरुष मैं फिर आखा हूँ वो आए इस गल करा का गोठा के जिस बीच लेकिन मैं रियल बात करा था ये हमारे चिंतन के विषय है आज हमारे समाज के लिए बहुत बड़े चिंतन के विषय है। आने वाला समय में हमारा समाज नहीं रहेगी आदिवासी समाज नहीं रहा है जनगणना होते दादा त्रिवेणी क्षेत्र है ये ट्रैवल क्षेत्र ये भी खत्म हो जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ में हर साल विधायक सीट ला काटा थे सरपंच सीट ला काटा थे हर साल तुम्हारे उड़ीसा में क्या होते तो इतना मैं राजनीतिक बारे में नहीं जानो वो बाकी दादा मन जाना थे श्याम मन जाना थे लेकिन आज हमारे समाज से ये उड़ीसा ही नहीं आपको छत्तीसगढ़ ही नहीं आपको बस्तर ही नहीं हर जगह ये हमारे आदिवासी समाज के साथ शासन प्रशासन हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारे रीति नीति हमारे संस्कृति हमारे अधिकार हर चीज आज हमारे साथ छीनते हुए जा रहे हैं। अगर ना बचा ही कौन कोई अलग से कोई आने वाला नहीं है हमारे समाज में तो हमारे केंद्र में भी हमारे राज्य में भी एक व्यवस्था बैठा थे लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था बैठने वाला हमारे कोई नेता मंत्री में कोई पार्टी कुमार कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा था जगह प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी चाहे आप उड़ीसा की बात करें चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें या हमारे कोई बस्तर की बात करें और हमारा आवाज का आरोपी भूमि तक घुसते हमारा आज सकला है सब जन एक पूरा आपके हर भारण जति की मूर्त हमन मन सुन लो बाकी जन क्या बात रहे सुनी नहीं सुने और हम अगर यहाँ सुने ना आज हाँ तो देखो आज कहीं बने लागिस एक जन बाबू बने कहीं एक जन नोनी बने नाचिस एक जन सियान एक रीति नीति बारे बने बताइस और बात हम आज के सफर यही से खत्म कर था काली फिर भुला जाता हम भुला पर की नहीं भुला और आज करबो हमन गोंडी विद्यालय खोलबो करके हमारे की मिशन चला थे काबर आज हमारे संस्कृति खत्म हो जाते थे और गोंडी विद्यालय आज हमारे छत्तीसगढ़ में अभी 8 विद्यालय खुले हैं और काबर खोले गया हमारा कि हमारे भाषा संस्कृति हम लोग बचाए बस। मैं यहाँ भी हलवा भाई होगी बोले निवेदन करना चाहूँ यहाँ भी हर भी भाषा नहीं बोले जाए आप कोंडा गाँव के पास जाओ सब जानते हैं हर भी भाषा वाला यहाँ कमार भाई होगी आज अगर है ना तो ये लोग मैं निवेदन करना चाहूँ सियारमन से निवेदन करना चाहूँ ये विषय में भी हमन प्रशिक्षण होगी सियारमन तक लाबो लया लयर मन सब तक लाबो तो ये मेरे विस्तृत जानकारी हुई और हमारे जो नंबर युवा साथी मन का हवे तो ये में भी हम डीपली से चर्चा करबो और खैर आज तो खैर और भी सियारमन की बात तो विचार रही हमारे बीच तो ज्यादा समय हमारे का नहीं है तो ये भी व्यवस्था अपन समझबो और बाद और भी जैसे हमारे गोत्र ज्ञान है आज हमारे समाज में क्या गोत्र ज्ञान वाला भटकाव हो गए है ना कते गोत्र संघ का है कते गोत्र का है कते गोत्र का है ये भी हमारे समाज भटक गया तो मैं निवेदन करूं और मैं पूरा धन्यवाद देना चाहूं कि आप हमारे संग छोटे से लेकर एक मंच दे यहाँ पर बुलाओ और एक हमारे बात ना सुने शायद हमारे बात उतनी मधुर तो नहीं है मैं निश्चित बोला था उतनी नहीं है लेकिन हमारे प्रयास है कि आगे वाला हमारे समाज ना एक सही दिशा और जो भटकत है बोला सही दिशा दशा में अपन लेके जाबू और निश्चित यहाँ के युवा साथी रहे अभी केंद्र के प्रशिक्षण हुई तो मैं निवेदन करूँ यहाँ पे हर भारवन से कम 50 लड़की 50 लड़का ना वो प्रशिक्षण में भी भेजूंगा और प्रशिक्षण में जाही तो वहां आपके उड़ीसा के व्यक्ति से मिली वहां आपके गरियाबंद से व्यक्ति से मिली वहां के महाराष्ट्र के व्यक्ति से मिली वहां आपके पश्चिम बंगाल के व्यक्ति से मिली हमारे समाज से और वह पूरे प्रशिक्षण दे जाए और निश्चित युवा साथी मारा यहाँ आके अपन समाज सिखाही पहचानी और मैं निवेदन ये भी करना चाहूँ रोटी कपड़ा मकान पर आदमी लड़ते एकर से ज्यादा एक शिक्षा भी है अगर हमारे समाज अगर शिक्षित हो जाए तो ये सब के बारे में तर्क वितर्क करना चालू कर दी भले आप मन नहीं पढ़े हो श्याम मन नहीं पढ़े हो अब मैं नौनी मन से बहुमन से कहता हूँ आप मन पढ़ाई अधिक से अधिक करो
और समाज का अभिन्न अंग हो और ये समाज है तो आप ला ये दर्जा दे है, ये समाज एक पहचान दी से कि कौन गोर बने की कौन हलवा बने की कौन और हमारा आदिवासी समाज बने की पहचान दी से ये समाज ही दे है। तो मैं निवेदन हुई जति की साथी हुई आगे पढ़ाई भी करो ना तो कभी समाज को दखल अंदाजी नहीं देना है आप, बल्कि शिक्षित होने के बाद हमारे समाज को दिशा दशा में अग्रसर होकर आगे समाज को और आगे बढ़ाने के लिए क्या सामाजिक व्यवस्था में हो कि रीति नीति में हो कि प्रेम व्यवस्था में हो आप जितने युवा साथी का भी सार्थकता रहे। इसी आशय के साथ अपने वाणी विराम करता हूं। ब्राल पेंडा ब्राल पेंडा गोविंद पेंडा निवाई की गुणा पेंडा व्यक्ति गुणा पेंडा व्यक्ति सर्व जनजाति आदिवासी समाज की सर्व जनजाति आदिवासी समाज की आज हमार बारापाली के अंतर्गत हमारे नया खाई भेदघाट सभा में उपस्थित हमारे सभा मंच के आज की अध्यक्ष महोदय उपाध्यक्ष सज्जन को मेरे सर्वप्रथम इस नया खाई भेदघाट में सभी को मेरे प्रणाम स्वीकार कि नया खाई भेदघाट की जो प्रोग्राम हम हाट भारण शाखा में जो रखे हैं गोंडवाना भवन में तो प्रत्येक साल मने हम रखते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो शुभ अवसर जो हमारे युवा साथियों ने जो रखे हैं प्रोग्राम उसके लिए मैं हमारे युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार के प्रत्येक वर्ष अगर आयोजन के माध्यम से घाट करें तो हमारे जनजाति आदिवासी समाज बहुत ऊपर उठे। तो हमारे युवा साथियों को मेरा यही कहना है कि हमारा सर्व जनजाति समाज को एकता रखना है, कैसे करके हमें सर्व जनजाति आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना है तो विशेष करके हमारे युवक साथियों के ऊपर भरोसा है तो उनको अगर ध्यान देंगे तो सब कुछ होगा। और मेरे माता बहन को भी मेरा अनुरोध है कि हमारे आज काल मने के समस्या आजकल के जो मने ये है कि पढ़े लिखे होने से सब कुछ होता है तो हमारे बाल बच्चे को कैसे स्कूल पढ़ाएं कैसे मने उनको पढ़ाएं, विशेष करके आजकल तो मने हमारे लड़की लोगों को विशेष बहुत बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है कि लड़की लोग अगर पढ़ेंगे तो दो साइड का होते हैं, एक पिताजी का सेवा करते हैं एक ससुराल में जाने के बाद भी सेवा करते हैं तो दो पक्ष के होने के कारण हमारे बहन लोगों को ज्यादा सोचना है कि कैसे लड़की लोगों को हमारे शिक्षा के लिए आगे बढ़ाना है तो तब जाकर हमारे आदिवासी जनजाति समाज आगे उठेगी आगे बढ़ेगी। और कब तक के हम आदिवासी पिछले पिछले मने में रहेंगे, अभी तो वर्तमान बहुत प्रकार की सुविधा हो चुका है सरकार के द्वारा तो हमको सर्व जनजाति आदिवासी समाज को शिक्षित होना है। और ये नया खाई हमारे आदिवासी समाज का परंपरा है तो आदिवासी समाज माने आदिकाल से हम इस क्षेत्र में बैठे हैं उसी को कहते हैं कि सियान लोग कहते हैं कि खुटर काट के हम आदिवासी लोग जमीन माने कमा कमा कर आज हम खेत खार कमा रहे हैं तो उसी के कारण से आज हमारे सर्व जनजाति आदिवासी समाज में साल में एक बार भादर महीने की शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि में हमारे सर्व जनजाति आदिवासी समाज नवा खाई के नवा खाते हैं तो नवा खाने के बाद हमारे सियान पूर्वज के सियान सज्जन लोग कहते हैं कि हमारे गांव में गवटिया है हमारे सात पाली की बारह पाली में जो भी मने मुखिया मुखिया सियान रहते हैं उनके उनके पास हम जाकर के जोहार भेंट करते हैं तो उसी उपलक्ष्य में आज मने हमारे बारह पाली के सियान सज्जनों पुजारी गायता गवटिया सब मिलकर के आज हर भवन में हमारे गोंडवाना भवन में एक नया खाई भेंटघाट का आयोजन हमारे युवा साथियों ने बड़ा मैंने बहुत परिश्रम करके आज इस प्रकार का प्रोग्राम बनाए है तो इसीलिए मैं युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नया खाई भेंटघाट इस साल तो इस प्रकार का हुआ है, अगले साल मेरा तो बहुत मैंने आपका जो प्रोग्राम को देखकर बहुत खुशी लगा कि अगले साल का प्रोग्राम भी हमारे जनजाति आदिवासी दिवस जो मनाते हैं तो हमारे एक
कोरोना काल में 2 साल फीका पड़ गया। हम बहुत से सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो कहते हैं कि प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो जाता है। थोड़ा बहुत लोग मन सियान सजन आकर के पूजा पाठ करके चले जाते हैं। तो अगले साल इस कोरोना महामारी में भी हमारा 2 साल हो गया, प्रोग्राम भी ढंग से नहीं हो पा रहा। तो इस साल नया खाई भेंटघाट में मैं देखता हूँ कि बहुत संख्या में हमारे माता बहन, हमारे बुजुर्ग सियान, हमारे अंचल के समस्त सियान सज्जन बहुत सब संख्या में उपस्थित हैं। तो मैं ज्यादा ना कह करके इतना ही, तो मेरा मैं सभी को मेरा प्रणाम है। बोलना की सर्वी समाज की जय। ए नया खाई के भेंट घाट हमन मार सब देवी देवता ला हमन मन मानथन। सर्व आदिवासी मूल निवासी मर ये पृथ्वी में जब पृथ्वी होइस ना तभे के वो मन के पहले के जन्म यहाँ आए। मूल निवासी मन के जति गाते हमार आदिवासी मूल निवासी सबके, तो ये मान देवी देवता ला मानथे। देवी देवता ला कैसे मानते, कहाँ खूटा में है तो कहाँ बूटा में है तो कहाँ डोंगरी में है, ऐसे हमर मन के देवी देवता मानता। हमर मन के देवी देवता पहाड़ पर्वत में ये है, हमर मंदिर नहीं रही। तो आज हमर मन के देवी देवता मानता ना, तो हमर मन कही धान बोथान कि उड़ी धीरवा बोथान कि कहीं और फसल जीने समय हमर मन बोल मुथन। ओला पहली फसल ला हमन मान देवी देवता में बिना चढ़ाए हमन मान नहीं खा। तो भाजी बोए रहता तेला भाजी के नेंगला बना था, कुटकी बोए रहता कुटकी के नेंगला बना था, और तब फिर हमन मान वो जिनिस ला खा था। वहां ले अभी आए नया धान के फसल में, तो ये नया धान के फसल में हमन मान नया खाई गए के नया बाल ला चढ़ा था। होकर बाद में हमन मान नया खाई के दिन में हमन नया चाव ग्रहण कर था। तो 9 दिन में नया खाई आए, 10 दिन में दशहरा, 20 दिन में दिवाली, यह पूर्वे दिन तक असमी इतिहास है। हमर ओडिशा में ये बलागीर समनपुर एरिया में पंचमी के नया खाते, कोई पंचमी के हमर जगन्नाथ महाप्रभु में नया खाई मने नवा चिवड़ा चढ़ते, तो ओला ओमन माथ। तो ऐसे हमर गोलमन के नीति आए माता मां। अभी तो बहुत जने मन है तो ये मन बताई ना है, तो बात ला अब मन सुने हा ओला ध्यान दे के रखो, और अपन बाल बच्चा ला पढ़ाई के ज्यादा कोशिश करो। बाल बच्चा ला पढ़ाई के ज्यादा कोशिश करो, हमला जब तक शिक्षा नहीं हो ही ना तो हमला ज्ञान नहीं हो। और बहुत घर ला ये तो भी है ज्यादा शिक्षा होने से वहाँ हमार संस्कृत ला भी भूल भी जाते हैं। तो हमन देवी देवता के पूजा करता ना, तो हमन मान धोती पहर के पूजा करता, याद करके रखो धोती पहर के पूजा करना है देवी देवता के स्थान में। तो अभी अभी हमन मन देखता
हमारे पुजारी मन गला थोड़ा ओसने हो जाते, मैं बहुत ज्यादा देखूं। तो देवी के पूजा करने से केवल धोती पहन के पूजा करना है, जेकर पास धोती नहीं है तो गमछा गला लपोड़ के पहनना चाहिए और पूजा करना चाहिए। तो यही हमार मन के नीति मना और आदिवासी के देवता कह में कुटा में आए गुटा में आए हमार जगन्नाथ महाप्रभु ला आदिवासी सोबर नाव के एक जन पूजा करत रही तो कहा में पहाड़ के जगह में जो मैंने जंगल के अंदर में नीलो माधव कह के नाम में वाला पूजा करत रही। तो यह आदिवासी के देवता जगन्नाथ आदिवासी की ही देवता है, जबकि अभी भी आदिवासी के रूप में है। कैसे आदिवासी के रूप में है कहने से ओकर करत तो करोड़ करोड़ रुपया है, सोना के ओकर मूर्ति नहीं बनती, काय बर रूप के बनाता। हमार मन के गला देवी देवता के बनाता काय बर रूप के, आगा गला रूप के बनाता, डांग गला बनाता बांस के, वो प्रकृति में वो अभी तक ले आदिवासी के कीर्ति ला रख के हवा जगन्नाथ। और काय है वो जतन हमन मान मनुष्य मर जाने से थोड़ा दहन करता, वही किस्म के ओकर 12 साल कह तो साल 12 साल में ओकर अलग से चोला पड़ता थे, वो दिन ओकर चुंदन मुंडन होते। और वहां अभी तक ले भात खाते रोटी पीठा खाते, ये जतन मनुष्य है उसने खाते, ये है आदिवासी के देवता। ओला बहुत जमीन आ जिस समय में जब वो सोबर के अभी भी सोबर मन के परिवार ही मुंडन चुंदन होते, वो मन हो ना है पंडा। तो ऐसे हमार आदिवासी की कीर्ति है भाई मन, जितने हमार पृथ्वी में देवी देवता है वो आदिवासी ही नाम के, जबकि आदिवासी केवल हमार आदिवासी नहीं, आदिवासी में कतकू आते जनजाति आदिवासी में जबकि सब जन आते नहीं, सब ये कीर्ति में जन्म लेना है, सब जन देवता पूजा करते। बिगर जात तो बावन मन देवता की पूजा नहीं करें, हमार केवल आदिवासी ही करते हर जगह में। तो मैं ज्यादा नहीं कहा भाई मन, अति कह के मोर विराम ला बंद कर दू, कतको जन है आप माला दिग्दर्शन दे ही कह के मोर भक्त ला बंद कर दू। अरे घोटा पाचे घोटा घाना रे मर्दाना वीर ऐसी माना माना, अरे छुपा छुपा हमारे वाले अरे तेरे झूले लाऊ जानी, जितने भी कड़े हैं दिखाए पीछे वाले को दिखे। गुरुजी मोड़ी खेलो गुजा गुजा मारुचु मजा, फूला फूटी अच्छे पुंजुर पुंजा
पुनी आगो दियाली जोई तो जातरा हेची सनी ले होली के भारवन गोनार भवन में आयोजित ये नवाखाई जोहार नी जोहार भेट कार्यक्रम में अतिथि मन है हमारे मंचासीन जितिक भी अतिथि मन है ओमनला तथा ये हमारे जो परंपरा है रूढ़ी प्रथा है ये में हमारे हर चीज एक एक ठान डिफरेंस रखते सबले अलग रखते भिन्न रखते अब यही में हमारे जितिक भी तीज त्योहार मन हवा सब तीज त्योहार में हमार जो प्रकृति है ये प्रकृति ला कभी नुकसान नहीं पहुंचे एकर व्यवस्था भी हमारे पूर्व पुरुष मन करी ना है आगे तो नवा खाई ला 10 दिन 15 दिन तक मनाया जात रही लेकिन समय के एक दिन बारापाली के अंदर में रखी ना है तो सबले पहले तो यहाँ की जो आयोजक मंडली है ओमन ला आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूँ आज के प्रोग्राम का जे एकर साथ साथ मैं आप माला बताया चाहूँ कि जति हमारे यहाँ के प्रथा कहो संस्कृति कहो बहुत चीज ला हमारे एक जन भाई आप माला बताई जाना है लेकिन हमारे यहाँ भी मुंबई में जो कार्यक्रम करा जा रही केबीकेएस के प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम वही प्रोग्राम है तो हमारे यहाँ भी आयोजन होते तो आप मन जे मन ऐला जान नहीं सके हा तो मन आगामी दिन में अगर हमारे यहाँ होते प्रोग्राम तो आप मन अटेंड करे की कोशिश करो एक साथ साथ अगर हमारे आसपास में भी कहीं होते तो वहाँ जाए की भी अटेंड करे की जरूरत है काहे का हमारे जो रीति रिवाज है संस्कृति है परंपरा है इला छोड़ करके हम कभी जी नहीं सकता हमारा जो हक है अधिकार है ये चीज हमला मिल नहीं सकती काहे बा हमारा जो एरिया आते ये पांचवी अनुसूचित क्षेत्र के अंदर में आते अब पांचवी अनुसूचित क्षेत्र कहने से यहाँ पर सब हक अधिकार यहाँ के आदिवासी जनजातीय समुदाय ने दिया जैसा है अब ये चीज आप मन कहो कि काय का दिया जैसा है तो ये जो गांव मनला हमारे जो आगे कतरे इन हमर हलवा आगे आई जन कि हम खुटा मार के यहाँ बैठे हैं तो हर गांव ला आदिवासी मन बैठे ही नहीं ला तो आप मन जानता हो है नहीं जैसे गांव मन बैठी सा है गांव मन ला कौन बैठे से आदिवासी मन बैठे ही ना है और वही मन से ओकर बाद में धीरे 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 दूसर मन आए की बैठी ना है आज जो संविधान हो अंग्रेज जो आई उनकर ले आगे हजारों साल आगे से हमर जो आदिवासी मन रही वहां बैठे रही नौतिक भेर हमर नीति वहां चलते रही
लेकिन आज ये चीज ला हम दूर जाए देते हैं और सरकार भी जो जतिक भी सरकार है उमन भी कोशिश करते हैं जे आदिवासी मन के जो परंपरा रूढ़ी प्रथा अगर खत्म हो जाए एक तरह से तो उमन दिखाते हैं उमन के दिखावा आते जे आदिवासी मन के परंपरा ला कसन बचाया जाए लेकिन अगला गोटे चाल चलते ये भीतर में हमारे जतिक टुंडा मुंडा कुंडा के बारे में भाई बताई है तो मैं हर चीज के बारे में थोड़ी थोड़ी टॉच कर दे हूं। तो सबले पहले बात होते जो जो गांव मन में हमारे बठी ना है हमारे जो आदिवासी जनजातीय समुदाय जितनी जगह में बठी ना है हर गांव मल्ला हमारे जो जनजातीय लोग मन बठे ही ना है वहाँ के गोटे रूढ़ी प्रथा के अनुसार हमारे समाज में हर तरह के फिफ्थ शेड्यूल हमारे एरिया में लागू है तो जाने हम सब लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं है केवल राजनीतिक क्षेत्र में हमारे एरिया में फिफ्थ शेड्यूल लागू कर लो है तो एक फिफ्थ शेड्यूल का आया एला हमला जानना पड़ी और ये चीज ला जानते हुआ हमला एजुकेटेड होला पड़ी और आज हमार जो माताएं बहने हवाएं कि जो हमार युवा वर्ग हवाएं ये मन ला एजुकेशन के प्रति आय करके सिर्फ एजुकेशन में जो पढ़ाया जाते क्लास मन में ओकर साथ साथ संविधान वही ला भी पढ़ला पड़ी काहे का संविधान में एकर बारे में डिटेल से लिख लो है 13(3) का 244 ये सब जो अनुच्छेद मन है ये मन में आप मन ला वो सब चीज मिल सकते कि एक जन जनजातीय क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र में पेशा कानून कैसे टाइप के लागू होते एकर बारे में हम कसन वहां से जो अधिकार मन है केला पाए सकबो ये सब के बारे में हम लोग वहां मिल सकते। आज अगर कहा जाए तो जो मठ के व्यवस्था रही आगे अभी जो दान संस्कार करा जाते एक साथ साथ जो डीएनए के बात कही ना है और एक ठन जगह ले आप मन देखे रहो कि कुछ दिन पहले डेम के नाम से रास्ता घाट के नाम से जो पलायन करा जाते आदिवासी मल एक ठन जगह मन में बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाया जाते हमर जल जंगल जमीन जो हवा ओला हमर लगले ओमन नगाए के ले जाते चुड़ाए के ले जाते तो ये चीज मन लगला हमला अगर हमला साबित कर तो है तो हमला ये न्यायिक व्यवस्था से वो चीज के बारे में हमला जानना पड़ी सबसे ज्यादा लागू होते झारखंड में लेकिन ओडिशा में कुछ कुछ क्षेत्र में लागू हुई है जैसा जो वन अनुबंधन या कुछ कहते हैं हिंदी में जो कि हमारे एफआरसी कमेटी का था नहीं वही चीज है तो हमारे यहाँ ओडिशा में एफआरसी कमेटी लागू हुई है लेकिन एफआरसी में गला हमारे जितनी हक अधिकार हवाए एफआरसी के ऊपर में वहाँ के जमीन के जो मालिकाना है ओकर ऊपर में वो चीज हमला पूर्ण रूप से नहीं मिली सके गोटेक आदिवासी गाँव अगर हम कुट्टा मार के बैठे हैं वहाँ है नहीं तो आदिवासी गाँव में वहाँ के जल जंगल जमीन सब कुछ हमारा है सब कुछ हमारा है कि ना है ओकर बाद में जो भी बाहर से लोग आए कि वहाँ बैठी ना है जैसा ना आज हमारे सेटलर लोग मन भी कुछ आई 1966 से तो मन जो भी आए कि वहाँ बैठी बैठने के बाद में वो मन जगह कौन देश हमारे लोग दे ना है तो यहाँ नियम होते अगर जमीन भी बिक्री हो ही वो चाहे जनरल जमीन हो एससी जमीन हो जो भी हो लेकिन फिफ्थ शेड्यूल का थे जो वो जमीन केवल एसटी लोग से वहां से खरीद सकते फिफ्थ शेड्यूल एरिया में लेकिन एक लागू होते कि आज तो देखो यदि कामी जमीन है वो कामी जमीन फिफ्थ शेड्यूल एरिया में सरकार के भी नहीं रहा है वो टोटली आदिवासी मन के जमीन है लेकिन वहां हमार अधिकार कहां जाए सर तो एक बारे में अगर डिस्कशन करवा तो बहुत समय ले कि एक जो धारा मन है वो बारे में हम लोग जानना पड़ी तो आज तो खैर हम नवा खाई के जोहार बेट कार्यक्रम में आए हैं तो भाई कह रहे सोती थोड़ी निकलिस मुंह से एक बारे में कभी अगर समय मिलते कि केवी के प्रोग्राम मन में अगर हम बैठा तो वहां आप मन एक बारे में नॉलेज ले सकता तो नवा खाई के मैं ज्यादा समय और नहीं ले जाऊँ बहुत वर्तमान है तो मैं यहीं पर अपन के जो वाणी है विराम देता हूँ और आयोजक मंडल ला फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सब ला फिर एक बार बहुत बहुत सेवा जोहार। फिर अपन समाज के जो नियम नीति है नियम नीति बोलने से ये जो भाई मन कथे टोंडा मुंडा कुंडा ओला संक्षेप में टोंडा मुंडा कहा जाते जोन ला टोंडा मतलब अपन के छट्टी मुंडा अपन के बिहाव काम में जोन होते मांडो गाड़ते ओला कथे मंडा और कुंडा कह में जो नहावन काम में जो हमारे माटी जो पानी लानथन अपन पूर्वज के जो ये हो रहते तेकर ओला कहा जाते टोंडा मुंडा कुंडा ये जो तीन ठन संस्कार है हमारे आदिवासी समाज के ये संस्कार ला हमला नहीं छोड़ना है भले हो हम आए पढ़न बी ए पढ़न कलेक्टर क्यों ना हो लेकिन ये जो संस्कृति हमारे जो है वो संस्कृति ला हम बजाए रखें ताकि हमारे समाज के जो छोटे छोटे बाल बच्चे मन है ये बाल बच्चे मन भविष्य में भटक नहीं जाए अभी जो हमारे भाई मन कहते हैं हमला दुनिया में जाए कि हमला शिक्षा लेला पड़ते शिविर रखेला पड़ते अभी जो हमन यहाँ और इस बॉय में हमारे अशोक भाई मन जो जीएसयू कमेटी के तरफ से हमारे एक ठो शिविर रखे रहना है ये शिविर में केवल
हमार नियम नीति कैसे व्यापार वाणिज्य करबो, कैसे हमार पूजा करबो, हमार देवी देवता कैसन है, कौन देवी ला कौन पूजा करी, कौन देवी ला का करी, ये जो शिक्षा दिया जाते ये ला अगर हम हमार पूर्वज सियान मन के ऐसे हम सीखते ओकर तीर में जाके बढ़ते ओकर तीर में जाके हम सीखते ताकि हमारे दे भाई मन जो आगे पूर्वज हमारे जन भाई वक्त कहते रहे हम ओकर तीर में जाके नहीं बैठन कहते कारण नहीं बैठन जी हाँ हम नहाने काम करते हैं बस बाबा जात मन माँ मन जाके बैठे रहते हैं वहाँ कोई हमारे भाई छोटे छोटे मन जाके देखते कभी देखते नहीं देखन कत्ते जगह में काय किया जाते जतिक में हमन एक झन आदमी सपोज खत्म होते ओतिक भी वहाँ नियम नीति कतिक होते हमारे एको झन हमारे युवक भाई मन नहीं जानन जानता नहीं जानन कत्ते जहाँ कैसे करना है कत्ते जहाँ चलाना है कत्ते जहाँ काय करना है वहाँ काय करना है ओला हम कोई नहीं जान ओला हम लोग काय कर ले पड़ते शिविर ले ले पड़ते तो ये जो शिक्षा जो है ओला हम सीखन सियान मन के तीर में जाके बैठन और देखन ये जो बिहा भर होते बिहा भर में अगर हम काय करतन बस नाचते समय बस अटेंड होतन आए कि ना हमारे युवक भाई मन जो होती भाई मन कहते हैं बिहा में बस नाचते समय अटेंड होतन होतन नहीं जतिक भी नाचता है बस माइक बात है जाके अटेंड होता है वहाँ काय करता है जतिक भी माड़ो पड़ गया है वहाँ काय करता है जतिक भी लगन होते वहाँ काय करता है जतिक भी टीकान होते वहाँ काय करता है ये होते हमारे परंपरा रीति रिवाज ये लो हम लोग देखना है सीखना है उसने हमारे आखिरी बिहार होते हैं जो टुंडा कर जो हमारे जो ये कथा है मुंडन नामी वहाँ भला कतिक भी काय करता है वो लगा हमला देखना है ये सब ला अगर हम रखबो बजाए के तो हमारे समाज के रीति रिवाज के साथ हमारे जो संस्कृति हवा है वो लगा हम बजाए रखबो मैं हमारे आदिवासी गौंड समाज नहीं मैं नहीं कहा मैं हरेक समाज लगाता हूँ जबकि हमारे अभी ये अंचल में हमारे तीन चार आदिवासी जनजाति समाज है हलवा समाज है बंजारा समाज है गौंड समाज है जो रायगढ़ एरिया में भतरा समाज है जानी समाज ये विभिन्न प्रकार के हैं हर एक समाज के रीति रिवाज सबके हैं लेकिन मिलती जुलती दूसरे बात ये जो भाषा के बारे में हमारे भाई का आतरीन है वो सब जन के मुख्य भूमिका है कहते हैं भाषा हम आज हमारे खुद के पहचान ला हम भुलाए हैं ये जो ननी मन बैठी ना ये होती हमारे आदिवासी मन के पहचान जो उनकी मुख्य गौड़ मन की उसने हलवा समाज की भी पहचान है और बंजारा समाज की भी पहचान है उमन के खान पान में पहचान है उमन के वेशभूषा में पहचान है उमन के रीति रिवाज में पहचान है सब में उनकर भाषा तो मैं नहीं भाषा ला तो हम सब टोटली भूल जाए हैं हमारे आदिवासी भाषा में गौंड भाषा गौंडी भाषा कह जान जानते हैं हाथ उठा तो गौंडी भाषा कह जान जानते दस ये हमार अपने आप लाज पाए के नहीं अपन भाषा ला हम खुद ही भूल जाते हैं गौंडी भाषा हमारी भाषा हमारे भाषा ला हम छोड़ दे हमारे दादी पैंती में हमारे दादी आजीवन गोठे हम मैं भला जानता हूँ समझता हूँ बोले भी सकता हूँ फिर भी बोले भी हैं कोई समझे लाइक के मैंने समझ ही थोड़े बहुत खंडिया खंडिया समझी ते कैसे थी मैं गौंडी में बोले ला नहीं जा और एक बात हमारा हलवा समाज भाई मन हुए अपन भाषा ला लिस्ट करा था अभी सब सब जो भी देखो सब छत्तीसगढ़ी लेरिया भाषा बोलते हैं ते कैसे थी ये लभी अपन बचाए की कोशिश करो और हमारे तहत तो हमारे जो हमारा हमारा क्या बोलते हैं और कुंदई सरपंच भाई मन बहुत कष्ट करके ना 5 साल के बाद पहले एक तो हमारा आदिवासी शिक्षा जौन की प्रत्येक स्कूल में आदिवासी जौन की अपन अपन एरिया जैसे रायगढ़ एरिया में भतरा भाषा हमारे एरिया में गोंडी भाषा जो अपन अपन एरिया में भाषा के शिक्षा कारण आगे मन जाए के लड़ी कलेक्टर कर जाए के ना मन राता राती परमिशन लाइन लाए के ना प्रत्येक गाँव में एक एक ठक आदिवासी शिक्षा के व्यवस्था करी है लेकिन मुला दुख लागते मैं अनुरोध करूँ हमारे अंचल के जतिक एमएलए टीचर मन है एमएलए भाई बहन मन है वो मैं कोशिश करो जतिक दूर तुम सकते हो वो मन अपन भाषा जो बचाए लग कह के जो शिक्षा व्यवस्था करी है ओला आप मन पिला मला सिखाए के कोशिश करो मोर अनुरोध है कहबो कि हमारे भाषा ला बचाए लग कह के हमारे सौथन पोस्ट ला जबरदस्ती कलेक्टर कर ले परमिशन करके लाई लेकिन अब अधिक में 80 टन सीट लो फिलअप कर लो है 80 टन सीट में जो स्कूल चला था अभी हमारे धनोरा ढूंगियाडी असने प्रत्येक 80 टन चलते ओला बचाए ला कोशिश करो ताकि हमारे भाषा धीरे धीरे लुप्त ना हो
और मैं ज्यादा का कहूँ अति कहूँ। और एक विशेष सूचना हमारे छोटे छोटे पहनने वाला हमारे भाई जो कहत रही है हमारे जो माँ बने की कैपेसिटी है वो सही बात है। साहिबा हमन 2 साल के पहले हमारे एक ठक एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे एक ठक ट्रेनिंग चलत रही है हमारे जो वो जो कहे के उचित न है फिर भी मैं मजबूर में कह लेकिन ये जो अपन संस्कार के ज्ञान बहुत कम मिलती है तेनो ये संस्कार ला हमन माँ मन ला सिखाना है कि एक झन सगाई ओला कसन सम्मान देना है एक झन कोई मेहमान आते ओला कसन ये करना है वो जो संस्कार है वो लगन हमारे माँ मन की ही भूमिका होती है। अगर माँ मन सब सीखा तो होते विद्यालय में लेकिन संस्कृति हमारे समाज के जो रीति रिवाज होते ये मिलते हमारे असने के क्षेत्र में माने असने के जगह में ये भी एक ठोक मंदिर है ये जो सीखा और जो सामाजिक के जो ज्ञान मिलते हैं मंदिर मन में ही मिलते तेकर मैं अनुरोध करता हूँ हमारे अंचल के जति माँ बहनी वाला असने कहीं प्रोग्राम हो हमारे जो जनजाति आदिवासी जो विकास के बारे में जो सभा हुई वो सभा में सब जन आके उपस्थित रहा भले एक दिन के बूता जाए एक दिन के समय जाए हमारे तो जन्म हुए हैं मरते तक हम काम करबो खाबो जीवो बस एक खन पेट बा तेनो हमारे समाज ला कैसा नहीं करबो ऐसने के जगह में जाके सुनो और जो हमारे भक्तमन कथे वाला अपना यहाँ ले जाए के घर में जशन की नहीं भूला। और एक बात हमारे मामन होते हैं 2 कुल के एक माँ के ससुराल के एक मायके के 2 कुल ला बचा के रखे हर घर में अगर एक बेटी है बहू बड़ी दो घर में अगर बेटी है बहू हो के नहीं रह के बेटी बन के रही तो दोनों कुल के दोनों परिवार के उजागर हो ही एक ठग मर मिलती है कि जैसन घर में माँ बाप ला सम्मान दे करो उसने सास ससुर में सम्मान दो माँ बाप घर में सम्मान जो मिलते सास ससुर में दो जहन भाई ला देवर ला भाई बना कि अपन ससुरा ला अपन भगवान बना ये ला मैं कहला चाहता हूँ कायबर हमार धीरे धीरे बस शादी हो शादी होने के बाद 1 साल गला रथन निरथन डिवाइड हो जाता है तेकर सेती मैं एक बार अनुरोध करता आप मन अगर मोर बाड़ी में कोई गलती हो ही तो मोला अपन बेटी समझ के माफ कर दो मैं ज्यादा समय नहीं लेकर हमारे भक्त मन बहुत जन है और मन के भक्त ला भी सुनबो तेकर सब जन ला मैं एक बार सब जन हाथ उठा के जय करा बोलो बड़ा देव की राम देवी देवताओं की शीतला माता की उपस्थित समाज की जैसे
आदिवासी समाज के लोग कलेक्टर बीडीओ तहसीलदार इसलिए नहीं बन पाते, हमारे अंदर में एकता नहीं है। किसी के पास एजुकेशन है, वो पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, उसके पास आर्थिक स्थिति नहीं है। और किसी को मांगोगे जिसके पास पैसा है तो क्या बोलेगा, मैं नहीं दूंगा, अगर वो अच्छा अच्छा अधिकारी बनेगा तो मेरे से ज्यादा अमीर बन जाएगा वो, इसलिए पैसा नहीं देते। अक्सर देखोगे जिसके घर में पूरा बैकग्राउंड अच्छा है, पैसा वाले हैं, लेकिन वो कभी अपने परिवार को हेल्प करने के लिए नहीं जाएंगे। तो हमारे अंदर में जागृति होना चाहिए कि हमारे समाज में कोई बच्चा अगर अच्छा पढ़ रहा है तो उसको डोनेट करो, ज्यादा नहीं, और जितने भी युवा साथी हैं डोनेट करो। साल में आप साथी जरूर एक दिन कलेक्टर बनेगा, एक दिन वीडियो बनेगा, एक दिन तहसीलदार बनेगा, वरना कभी नहीं बन पाएगा, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। जमीन काटे हम लोग टिकरा बनाए उसको दान में दे दिए, देने के बाद हमारा गोंडी भाषा की बात कर रहे थे सभी लोग, तो गोंडी भाषा का हमको आया ही कुछ मालूम नहीं है, धीरे 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 बंगाली भाषा को सीख लिए, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। तो हमारे आदिवासी लोग इतना फ्लुएंसी बंगाली बोलते हैं, इतना फ्लुएंसी हमारे युवा समाज लोग बंगाली बोलते हैं, ओ आदिवासी का हमारा गोंडी का संस्कृत एक अक्षर को भी नहीं जानते हैं, तो क्या हुआ शिक्षा। अगर वो लोग जाएंगे जोड़ेगा जाते हैं कई जगह, मैं देखा वो लोग डायरेक्ट तुंगारे में जाने से अपने आदिवासी भाषा या हमारे छत्तीसगढ़ी में कुछ नहीं मांगते, खड़े हैं। ये सब नींव बनाने वाले आदमी है, ये नींव बनाने वाले आदमी को सम्मान करें और इनकी गाइडलाइन से चले। और उनको भी मैं ही कहना चाहूंगा, जितने भी नींव बनाने वाला आदमी है वो अच्छा से सीमेंट, अच्छा से रेती, अच्छी वाले गिट्टी और अच्छा वाले ईटा। नारी शक्ति में भी दम है, हमारे आदिवासी नारी शक्ति में भी दम है और हमारे भाई लोगों में भी दम है, वरना क्या होगा। लेडीज लोग तो सोचेंगे, क्योंकि देखो मैं माता की बात इसलिए कर रहे, एक माता बोलेगी कि हमारे घर में ऐसे होना चाहिए तो एक दिन परिवर्तन होता है, और माता बोलेगी हमारे घर में आज ऐसे ही होगा तो परिवर्तन होने वाला नहीं है।